हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th एंड 12th के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और साथ ही में शुरू हो चुकी हैं अफवाहें, फेक न्यूज़ेस और बहुत कुछ जो यूट्यूब पर, पब्लिक पोर्टल्स में, व्हाट्सएप पे आपके पास आ ही रहा होगा। ये सीबीएसई तक भी जरूर पहुंचा है और सीबीएसई ने इसके लिए ठोस कदम उठाए हैं। और सीबीएसई ने क्या कदम उठाए हैं, इसके लिए सीबीएसई ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीबीएसई ने क्या कदम उठाए और कौन से वो लोग, वो यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके अगेंस्ट सीबीएसई ने एफआईआर भी लॉन्च कर दी है। ये सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, ऑफिशियल पब्लिक एडवाइजरी है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं। ये कहीं से भी कुछ भी फेक नहीं है। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि सीबीएसई ने क्या पब्लिक एडवाइजरी जारी की है जो आपके सामने है। ऑल मेंबर्स ऑफ द पब्लिक आर वेल अवेयर दैट सीबीएसई एनुअल क्लास 10th and 12th board examinations are currently underway. Beginning 15th February 2019, CBSE has so far conducted examinations in 130 subjects successfully. In order to conduct examination in a smooth manner, the board has taken several security initiatives to conducting fair and smooth examination. Few cases of fake and false news in circulation with the intention to thwart the good efforts of the board and to create panic and confusion among the students and public are being noticed. Suffice is to say that such news is circulated by unscrupulous persons for personal and professional gains. The board has released instructions to all the students and parents to be aware of fake news regarding paper leak, availability of question paper prior to the examination on various platforms including social media. The board has located a number of uploads available on YouTube falsely claiming to have access to original question paper of subjects in which examinations are yet to be conducted, such as accountancy, chemistry, geography, class 12th, English, mathematics and science of class 10th, it should be of 10th. The paper being shown on these sites have been scrutinized and 100% have been found to be fake. An FIR has been filled in this connection, I repeat, an FIR has been filled in this connection. CBSE has also requested Delhi Police in writing to take suitable and strict action against miscreants under provisions of IPC and IT Act, so that the sanctity of the examination and the several of the board's security initiatives remains unaffected and exams are conducted in fair and smooth manner. Public is hereby informed to remain vigilant, remain calm in all situations. The public is expected to cooperate with the board in dealing with such unsolicited situations. तो दोस्तों, सीबीएसई ने क्लैरिफाई कर दिया है कि सारी जो न्यूज़ेस अभी तक फैल रही हैं या आगे भी आएंगी, ये 6 मार्च का नोटिस है, वो अभी फेक हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर अभी तक लीक नहीं हुआ है। प्रायर टू एग्जामिनेशन आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड अगर आपको मटेरियल मिल रहा है वो 100% फेक है। उसमें ना अपना टाइम वेस्ट कीजिए, ना एनर्जी वेस्ट कीजिए। शांत रहिए, विजिलेंट रहिए, काम रहिए सिचुएशन में, और हो सके तो अगर आपके नोटिस में आता है तो इन्फॉर्म कर दीजिए दिल्ली पुलिस को, या जहाँ भी आपने शहर में है वहाँ की पुलिस को आप नोटिफाई करा सकते हैं, ट्विटर पे भी डाल सकते हैं। मगर मैं अभी यही कहूँगा, इग्नोर कीजिए, एग्जाम में अपनी एनर्जी लगाइए। ओके, इसके बाद मैं आपको चलता हूँ इसके नेक्स्ट पेज पर लेकर। नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज पर इन्होंने दिया है यूट्यूब लिंक पेपर लीक इंग्लिश कंडक्टेड ऑन 2/3/2019। ये वो यूट्यूब लिंक्स हैं जिन्होंने फेक न्यूज़ेस फैलाई हैं। ओके, इनके खिलाफ एफआईआर सीबीएसई ने कर दिया है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस में उनके जो साइबर सेल है वो काम भी कर रही है। तो ये सारा आपको जो मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। ये जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन सब के लिंक दिए गए हैं, जो उन्होंने इंग्लिश का पेपर, इसके बाद फिजिक्स क्लास 12th का पेपर, उसके बाद अकाउंट्स का पेपर लीक जो 6 मार्च को बताया गया, फिर ऐसी केमिस्ट्री का पेपर, ऐसे ही सीबीएसई पेपर लीक, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पेपर ये बता रहे हैं। नीचे भी चलेंगे तो और क्लास 10 इंग्लिश का पेपर बता रहे हैं, क्लास 10 साइंस का, क्लास 10 मैथमेटिक्स का। देखिए, मैथमेटिक्स का तो बाढ़ आई हुई है यहाँ पर। तो ये सारे जो चैनल्स हैं ये फेक हैं। सीबीएसई ने कह ही रहा है कि ये सब फेक चैनल्स हैं, तो इन पर आप ध्यान नहीं दीजिए। अगेन हम कह रहे हैं, काम रहिए, विजिलेंट रहिए, इन पर ध्यान नहीं दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये जो नोटिस है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सीबीएसई की साइट पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है कौन से ऐसे चैनल हैं, या आपको कोई अगर ऐसा मिलता है, आपको वीडियो मिलता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वो लिस्ट में है या नहीं है। नहीं है तो आप सीबीएसई को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। मगर ये सभी उन चैनल्स के, उन वीडियोस की लिस्ट है जो सीबीएसई ने ही जारी की है। ये लिंक है, अभी वीडियो में तो नहीं खुलेगा, मगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक ये मिला हुआ है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। अगर वो चैनल ने हटाया नहीं है या उसको यूट्यूब ने ब्लॉक नहीं कर दिया है या उसका चैनल बंद नहीं कर दिया है तब। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि सभी जो न्यूज़ आ रही हैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वो सभी फेक हैं, जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं वो सभी फेक हैं, और CBSE ने इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है, दिल्ली पुलिस में FIR कर दी है। अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।